जी विनीत कुमार त्रिपाठी। विनीत भाई क्या तुम्हारा क्या इरादा क्या था? इरादा था सर 50,000 रुपए लूट करने का, 50,000 रुपए की लूट करने का जी। वो बैंक जी, वो हम देख रहे थे बैंक से कोई निकले तो हम बैंक की तरफ ही खड़े थे, गाड़ी भी वहीं पे बगल में ही पार्क की थी, वहीं पे खड़े थे गाड़ी के पास ही, लेकिन कोई मिला नहीं, सब गनमैन के साथ जा रहे थे। तो काफ़ी देर तक हो गया हमको, बहुत टाइम हो गया वहाँ पे, क्योंकि इधर सीसीटीवी भी नहीं आता जिधर हम खड़े थे, तो हम इस वजह से खड़े थे। लेकिन कोई जब नहीं आया तो फिर हम उस तरफ चले गए, उस पट्टी पर चले गए। उस पट्टी पर गए तो एक ये बुलेरो गाड़ी वाला ड्राइवर वो भी मेरे पास आ गया रोड पे ही, मुझसे पूछने लगा कहाँ रहते हो, क्योंकि हम अकेले खड़े थे। तो हमने कहा भैया हम लखनऊ में रहते हैं, काम धंधा करते हैं। कहें कि अब हमने कहा भैया आप कहीं ना, हम तो ये गाड़ी है हम गाड़ी चलाते हैं। और उस समय बारिश होने लगी, जैसे ही हमारी बात हो ही रही थी कि बारिश हुई हल्की सी झिमझिमा के, तो वो अपना गाड़ी में जाने लगा, कहने लगा हमारे गाड़ी में तो कैश है और तुमको तो बैठा नहीं सकते हैं, हमारी गाड़ी में कैश रखा है। सर हमने कहा हमको कैश ही तो चाहिए था, और वही उसके पीछे हम भी चले गए। वो पेशाब करके अपनी गाड़ी में बैठा, पेशाब करके हम भी आए बाए हाँ से असला दिखाया, हवाई दिखाते उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया जी। तो फिर हमने भी फायर कर दी, ये गोली लगी, तो फिर हमने भी गोली चला दी, गोली चला दो बैग उसमें से निकाल लिए, और कितने थे हम उठा ही नहीं पाए सर, बहुत गरुद है। तो दो बैग निकाल के हम एक्सिस बैंक पे गाड़ी खड़ी किए हुए थे, तो हम उधर ही भागे। तब तक बीच में कोई एक लंबा सा आदमी जो भी अब वो ड्राइवर वहाँ पहुँच गया था, चिल्लाते हुए बैंक में पहुंच गया था, उसको गोली मारे नहीं, मारे ड्राइवर को नहीं मारे, किसी को गोली और किया, फायर कर रहे थे दो फायर और करे थे, हम हवा में ही किए थे, किसी को नहीं मारे वहाँ पे जी। उसमें मुझे घर का खर्च, बिटिया का थोड़ा सा एडमिशन नहीं हुआ था अपनी बार, बस यही, और कुछ हम ज़्यादा पैसे के चक्कर नहीं थे, और कोई किसी की हत्या करने की आदत नहीं थी, हमको थोड़ा पैसा चाहिए था, कोई होगा का अपना दिखा के ले लेंगे जी, घर गए थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।